नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 48 48वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, आज अपने जो टॉपिक है वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो आपके लगते हैं इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी में कि इम्प्लांटेशन क्या है, पहला टॉपिक कौन सा है, इम्प्लांटेशन कौन सा है, इम्प्लांटेशन को अपने हिंदी में कहते हैं आरोपण। क्या कहते हैं, आरोपण, कि आरोपण क्या है। उसके बाद में अपने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और लगते हैं इसके अंदर, आरोपण के बाद में जो है गर्भावधि क्या है, जेस्टेशन पीरियड क्या है, जेस्टेशन पीरियड, उसके बाद में प्रसव जिसको अपने कहते हैं पार्चुरेशन, उसके बाद में लैक्टेशन, दूध स्त्रावण। तो ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो लगते हैं इसमें कि इनके बारे में अपने को देखना है कि ये जो घटनाएं हैं ये किस प्रकार से घटती हैं, इनके लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो हार्मोन्स के साथ साथ अपने को इन घटनाओं के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं आरोपण की, इम्प्लांटेशन या आरोपण। इसके बाद में इसको कहते हैं गर्भावधि, इसके बाद में इसको कहते हैं प्रसव, इसके बाद में इसको कहते हैं दुग्ध स्त्रावण। ये सारे टॉपिक अपने को इसमें पढ़ने हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने बात करेंगे आरोपण की, यानी ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का हिस्सा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उससे ये जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं और इन घटनाओं का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और इनको कंट्रोल जो है वो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन किस प्रकार कंट्रोल करते हैं अपने, इसमें पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लांटेशन या आरोपण की। तो आरोपण क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि आरोपण की यदि हम परिभाषा पूछी जाती है कई बार, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आरोपण जो कितने प्रकार से होता है, आरोपण कितने प्रकार से होता है और किस प्रकार से कौन कौन से जंतु इसके उदाहरण है। तो सबसे पहले बात आती है आरोपण क्या है। तो आरोपण का मतलब ये है कि जो ब्लास्टुला अवस्था होती है, ब्लास्टुला अवस्था का भ्रूण के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर के धंसना क्या कहलाता है, आरोपण या रोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब देखिएगा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मनुष्य के अंदर निषेचन की घटना होती है। निषेचन की जब घटना होती है तो उसमें आपको पता ही है कि पहले, सबसे पहले तो निषेचन से पहले हम कह सकते हैं कि कोपुलेशन होता है मेल और फीमेल में। तो मेल के द्वारा अपने जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसके बाद में मेल के जो स्पर्म है वो फीमेल के यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट तक जाते हैं, ओविडक्ट में जाकर के वहाँ एग को फर्टिलाइज करता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट स्टेज बनती है, जाइगोट के बाद में, जाइगोट में जो है क्लीवेज शुरू होते हैं और क्लीवेज के बाद में उसमें मोलुला अवस्था आती है, या यूँ कह सकते हैं 2 सेल स्टेज 2 से 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज और 8 से फिर 16 सेल स्टेज जो होती है उसको मोरुला कहते हैं। उसके बाद में जो 16 सेल स्टेज है उसके बाद में अगली अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। तो ब्लास्टुला अवस्था जो है, या यूँ कह सकते हैं मोरुला अवस्था तक की अवस्थाएं जो है वो फ्लैपोन ट्यूब में होती है और जैसे जैसे ब्लास्टुला बनता है तो बनने के बाद में क्या होता है कि जो ब्लास्टुला है वो फेलोपियन ट्यूब से होते होते यूट्रियस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वहाँ आकर के धंस जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यूट्रियस के अंदर 3 लेयर होती है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेन फंक्शनल लेयर होती है, या यूँ कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो ही एक भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार लेयर होती है। वैसे ठीक है, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम का भी अपना योगदान होता है, परंतु जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होता है और जो ब्लास्टुला है वो वहाँ जाकर के किसी एक वो फिक्स हो जाता है या एक वो धंस जाता है, उस घटना को क्या कहते हैं अपने, आरोपण या रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब देखिएगा कि आरोपण की जो घटना होती है वो निषेचन के तो 7वें दिन होती है और रथ चक्र के 21वें दिन घटना होती है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से दिन होती है? ये 21वें दिन होती है और अपने इसके निषेचन के कौन से दिन होती है? 7वें दिन होने वाली घटना है। तो आरोपण का सीधा मतलब क्या है? आरोपित होना, रूपना या धसना, मतलब भ्रूण का या यूं कह कि ब्लास्ट अवस्था का एंडोमेट्रियम में धसना गर्भाशय के क्या कहलाता है? आरोपण कहलाता है। अब देखिएगा, आरोपण की यदि हम बात करें तो इसको आरोपण एक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल घटना होती है। किसके द्वारा होती है? हार्मोन के द्वारा कंट्रोल घटना होती है। अब देखिएगा, इसके अंदर यदि हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन जो है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो गर्भाशय है उसके अंदर एंडोमेट्रियम हो रहा है, तो उसके लिए जो हार्मोन्स हैं वो सबसे पहली बात तो अंडाशय जो है वो अंडाशय के द्वारा बनते हैं। अंडाशय के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हैं, वो क्या करते हैं कि गर्भाशय को किसके लिए तैयार करते हैं? आरोपण के लिए तैयार करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो अपने पीयूष ग्रंथि होती है, अगर पीयूष ग्रंथि, उसके द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोसर्ग को प्रेरित करता है। अंडोसर्ग होने के बाद में ही कार्पस ल्यूटियम बनती है और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको अत्यधिक मोटा, उसको सहवेनीय और उसके अंदर श्लेष्मिक ग्लैंड्स की संख्या को क्या कर देता है? बढ़ा देता है और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा देता है। तो जिससे क्या होता है कि आरोपण है वो आसानी से हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्पस ल्यूटियम का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है कि आरोपण के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या करता है? स्त्राव करता है। इसके बाद में देखिएगा कि जो प्लेसेंटा है बनता है, आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे आरोपण होता है, आरोपण के बाद में प्लेसेंटा अवस्था आती है। प्लेसेंटा एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में अपरा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा या अपरा की परिभाषा भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि प्लेसेंटा या अपरा क्या है। माता के गर्भाशय के उत्तक और भ्रूण के उत्तकों के मध्य बनने वाला एक अस्थायी संबंध होता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। और प्लेसेंटा भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और प्लेसेंटा के द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव तो होता ही होता है। साथ में जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? एक तो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, पहला काम तो इसका यही है। और दूसरा जो ये HCG हार्मोन होता है, ये गर्भाशय के अंदर जो संकुचनशीलता होती है उसको क्या करता है? कम करता है। तो ये दोनों ही काम कौन कर रहा है? प्लेसेंटा कर रहा है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि गर्भाशय के अंदर जो आरोपण की घटना है उसके लिए एक तो कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा जो है प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा का जो है प्रोजेस्टेरोन और HCG हार्मोन है वो मिलकर के गर्भावस्था का, यूँ कह सकते हैं कि आरोपण है, उसको तैयार करते हैं। अगर आरोपण हो जाता है तो फिर 9 महीने मनुष्य के अंदर गर्भावस्था भी बनी रहती है। तो आरोपण की यदि हम परिभाषा की यदि हम बात करें, ब्लास्टुला अवस्था का निषेचन के पश्चात, ऐसा लिख दें थोड़ा सा अपने, निषेचन के पश्चात ब्लास्टुला अवस्था का माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर धसना, में जाकर धसना ही इम्प्लांटेशन या आरोपण कहलाता है। आरोपण कहलाता है। तो ये क्या है? आरोपण या इम्प्लांटेशन। इसको यदि अपने थोड़ा डायग्राम से समझे कि किस प्रकार से ये घटना घटती है,
ये क्या है, इम्प्लांटेशन या आरोपण है। तो इम्प्लांटेशन या आरोपण आपको दिख रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होने वाली एक घटना है, और इम्प्लांटेशन के पश्चात ही जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे स्टार्ट होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी, ओवरी से ये क्या निकलता है, ओवा, ये क्या निकलता है, ओवा, जो कि अंडोत्तर के दौरान ये घटना घटती है रथ चक्र के 14 दिन। अब क्या होते हैं कि ये जो ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट के 3 भाग होते हैं, ओविडक्ट फनल, इसको कहते हैं एम्पुला, और इसको कहते हैं एस्थमस। ओविडक्ट फनल जो होता है वो कीप के आकार का ही होता है, यानी फनल के आकार का होता है, और जिसके ऊपर किनारे के ऊपर इस तरह से उंगली नुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिनको फिम्बरी कहा जाता है, झालर कहा जाता है। और जो ओविडक्ट फनल होती है उसके बीच में सेंटर में एक छिद्र होता है जिसको ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। अब देखिएगा क्या होता है कि जो अंडोत्सर के बाद में अंडा बाहर निकलता है, और वो बाहर निकल के जो फिम्बरी इस प्रकार से मूवमेंट करती है, करने के बाद में वो अंडा कहाँ है, इस ओस्टिया से घुसते हुए कहाँ आ जाता है, इसे ओविडक्ट के कौन से भाग में आ जाता है, फनल वाले भाग से होते हुए कहाँ पर आ जाता है, एम्पुला वाले भाग की ओर आ जाता है। कौन से भाग की ओर आ जाता है, एम्पुला, एम्पुला वाले भाग में यदि महिला विवाहित है तो वहाँ अपने मान सकते हैं कि शुक्राणु पहुँचा हुआ है, और शुक्राणु और अंडाणु वहाँ मौजूद होने से उनके बीच क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा के मिलने से, और फर्टिलाइजेशन या निषेचन की घटना जैसे ही होती है तो एक कोशिका बनती है 2N सेल, जिसको अपने क्या कहते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट के अंदर क्लीवेज शुरू होते हैं, क्लीवेज जैसे शुरू होते हैं तो एक जायगोट से 2 सेल बनती है जिसको 2 सेल स्टेज कहते हैं, फिर इसमें क्लीवेज कंटिन्यूटी में रहते हैं, जारी रहते हैं, तो जिससे 4 सेल स्टेज बनती है, 4 से फिर 8 सेल, 8 से फिर 16 सेल, तो 8 to 16 सेल की स्टेज होती है, उसको मोरूला कहा जाता है। ठोस गेंद के समान संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है, मोरूला या तुतक, हिंदी में क्या कहा जाता है, तुतक कहा जाता है। अब ये जो मोरूला है इसकी परिभाषा, ये 8 से 16 कोशिका अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला। अब क्या होता है कि ये मोरूला के अंदर जो ब्लास्टोमेर सेल्स है उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और उसके अंदर एक छोटी गुहा बनना शुरू हो जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टोसील और ब्लास्टोमियर जो संरचना है उसको हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या कोरक पुट्टी कहते हैं। ये कोरक पुट्टी का निर्माण जो है मैंने बताया था कि रथ चक्र के 21वें दिन के दौरान शुरू हो जाता है, और अपने निषेचन के 7वें दिन के बाद में, सेशन के कौन से 7वें दिन के बाद में शुरू हो गया। और ये जो ब्लास्टुला अवस्था है ये क्या करता है कि 21वें दिन के दौरान, या किसके, रथ चक्र के और निषेचन के 7वें दिन के दौरान इस ओविडक्ट से होते हुए कहाँ जाता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में कहीं आकर के एक और चिपक जाता है या धंस जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। अब देखिएगा, ये गर्भाशय है, यूट्रिस है, ये पूरा का पूरा ये यूट्रिस है, यूट्रिस का सबसे बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की ओर कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम तो बाहर का आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसको एक निश्चित संरचना प्रदान करता है। मायोमेट्रियम में पेशियाँ पाई जाती है जो कि प्रसव के समय अरेखित पेशियाँ होती है, काम में आती है। और एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है कि इसके स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटल बेसिलस दो लेयर पाई जाती है। फंक्शनलिस जो गुलाब कोशिकाओं की बनी होती है, और जो फंक्शनलिस के नीचे क्या होती है, उसको सहारा प्रदान करने के लिए, आधार देने के लिए स्ट्रेटम बेसिलस होती है। तो ये गर्भाशय की संरचना में 3 लेयर्स होती हैं। तो जो धंसने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा कहाँ होती है, एंडोमेट्रियम में होती है। और एंडोमेट्रियम में धंसने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन सा है, कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन, और प्लेसेंटा का प्रोजेस्टेरोन प्लस में HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक। ये हार्मोन क्या करते हैं कि इस भ्रूण को कह दो, या भ्रूण की इस अवस्था को कह दो, या
लाशपला अवस्था हो गया तो इस यहीं पर फिक्स किए रखने का काम करते हैं। यदि इन हार्मोन की सांद्रता में कमी आ जाती है या इन हार्मोन की संख्या में मात्रा में कमी आ जाती है तो इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में गर्भपात भी कहते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो स्टूडेंट्स ये घटना क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन या आरोपण कहलाती है। अब आपके सिलेबस में इसमें आरोपण के प्रकार दिए गए हैं जो अपने कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।